हम लोगों ने लास्ट टॉपिक आई गेस आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन किया था और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करे थे, राइट? सो आई होप आइडियल नॉन आइडियल में आप लोगों को कोई डाउट, एनीवन, आरुषि, अक्षत, नो सर, अंशी, नो सर। नव्या, श्रुति? ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक आता है हमारा, एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप का मीनिंग होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, दिस इज द पॉइंट। नाउ व्हाट डज इट मीन, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर? सी, लेट्स से आई हैव अ कर्व। एज यू नो, वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड द राउल्ट्स लॉ वाला पोर्शन। सो दिस वाज वेपर प्रेशर, दिस वाज अगेन वेपर प्रेशर, एंड दिस वाज मोल फ्रैक्शन। ओके, ऑलराइट। सो इफ आई एम गिविंग यू दिस टाइप ऑफ कर्व, कि मैंने आपको एक कर्व ऐसा दिया कि मैंने ना दो फॉर्म में दिया ज्वाइंट कर्व, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अच्छा, मुझे ये बता सकते हो ऊपर और नीचे वाले में से कौन सा वाला लिक्विड का होगा, कौन सा वाला गैस का होगा? सर नीचे वाला। हाँ जी, रिपीट करना। मैंने बोला कि मेरे पास ये वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन का कर्व है। इसमें मैंने ना दो कर्व बनाए, एक में डेविएशन ज्यादा है, एक में डेविएशन कम है। कौन सा लिक्विड का होगा, कौन सा गैस का होगा? गैस गैस का नीचे नीचे वाला होगा लिक्विड ना, का होगा। नीचे वाला कौन सा लिक्विड होगा? का नीचे वाला होगा, लिक्विड पीछे वाला का, लिक्विड का, राइट, नीचे वाला ऊपर वाला लिक्विड का, गैस, ऊपर वाला गैस का। ऊपर वाला गैस का, राइट, कूल। सो नीचे वाला अगर लिक्विड है तो ऊपर वाला मेरा गैस है, फाइन। लेकिन एजियोट्रॉप ये कहता है कि एक ऐसा टाइम आ जाए जहां पर दोनों का ना कंपोजिशन सेम हो जाए, फाइन, जहां पर दोनों चीजों का कंपोजिशन सेम हो जाए। इट मींस एजियोट्रॉप ये कहना चाहता है कि मैं जब ये कर्व बनाऊ ना एजियोट्रॉप का, तो मेरा कर्व ऐसा होना चाहिए कि मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इन दोनों का कंपोजिशन सेम चाहता हूं, भले ही बाद में कोई ज्यादा हो कोई कम हो, बट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आई एम लुकिंग फॉर द सेम कंपोजिशन, जहां पर दोनों ही कंपोजिशन बराबर आ जाए, एंड दैट वुड बी द एजियोट्रॉप। दिस इज कॉल्ड एजियोट्रॉप। बट ये कब पॉसिबल है? एजियोट्रॉप का मिलना कब पॉसिबल है? एजियोट्रॉप तब मिलता है जब सेचुरेशन पॉइंट आना शुरू हो जाता है। Now, what is this सेचुरेशन पॉइंट? सेचुरेशन पॉइंट का मीनिंग क्या है? जैसे मैंने बताया कि मुझे क्या करना है, मैंने लिया एक मिक्सचर, ले लिया सबसे पहले मिक्सचर लिया किस चीज का? आई हैव टेकन अ मिक्सचर ऑफ 50% एल्कोहल एंड 50% वॉटर, मतलब 50-50 ले लिया मैंने, थोड़ा हार्ड ड्रिंक बना लिया मैंने, एल्कोहल 50% वॉटर भी 50%। नाउ बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं कंपेयर करूं तो बॉइलिंग पॉइंट ना एल्कोहल का ज्यादा होता है वाटर से, राइट? लेकिन अगर मैं मिक्सचर की बात करूंगा ना, तो मिक्सचर मिक्स करने पर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दोनों थोड़ा थोड़ा इवेपोरेट हो रहे हैं। ऑल राइट, क्या क्या बोला मैंने? दोनों ही थोड़ा थोड़ा इवेपोरेट हो रहे हैं। मान लो मेरा ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मेरे पास
50-50 अल्कोहल था, 50% अल्कोहल था और 50% ही मेरा वाटर, ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों को बॉईल करना शुरू कर दिया एक साथ। मैंने टेम्परेचर दे दिया इनको ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस दे। अब 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया, इट डजंट मीन कि सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। अगर प्योर वाटर होता तो इवेपोरेशन हो सकता था, लेकिन वाटर के साथ एल्कोहल भी है तो वाटर एल्कोहल आपस में जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, और जब जुड़ चुके हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इवेपोरेट ऑल द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द एल्कोहल। तो इस केस में मान लो सपोज तुम्हारा ऐसा हुआ कि वाटर इतना उड़ गया कि अब मैं जब दोबारा चेक कर रहा हूँ कंपोजिशन, तो मेरा जो दोबारा कंपोजिशन आ रहा है ना वो लगभग इतना आ रहा है, मान लो 75-25 आ रहा है। अब क्या हुआ, अब मेरे पास जो बचा मिक्सचर वो बचा 75-25 का, क्योंकि मैंने बोला बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज्यादा होता है, वाटर का कम होता है। तो जब इवेपोरेट जब मैंने किया तो अल्कोहल के साथ जुड़े रहने के कारण सारा वाटर इवेपोरेट नहीं हुआ, कुछ कुछ इवेपोरेट हो गया, कुछ रह गया। अब मैं ऐसे ही एक बार और किया, मैंने सेम मैंने फिर से इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करना शुरू किया। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करना शुरू किया तो मुझे क्या हुआ, इस बारी क्या हुआ, फिर से थोड़ा वाटर इवेपोरेट हो गया और अब मेरे पास जो वाटर बचा है इवेपोरेट होके दैट इज 85 और सॉरी अल्कोहल 85% बच रहा है और वाटर 15% बचा हुआ है, मतलब वाटर की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है मिक्सचर के अंदर। नाउ एक बार और मैंने इसे सेम हीट प्रोवाइड किया, 100 डिग्री सेल्सियस ही दिया, तो ऐसा करने पर मेरा जो मिक्सचर है वो अब आ गया 95/5। शिता माइक म्यूट कर लो, योगिता माइक म्यूट कर लो। हाँ, so 95/5% बच गया। अब क्या हुआ, अल्कोहल 95 बच रहा है और वाटर 5% बच रहा है बचे हुए मिक्सचर्स में। अब मैं इसके बाद चाहे जितनी बार भी सेपरेट कर रहा हूँ, हर बार मेरा आंसर क्या आ रहा है, 95/5 आ रहा है। मैंने एक बार और किया, फिर मेरा 95/5 आया। व्हाट इज दिस, मैंने क्या बोला, मैंने स्टार्ट देखो 50-50 से किया था, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया जहां पर मेरे को हर बार सेम कंपोजिशन आने लग गया, तो उस कंडीशन को हम क्या नाम दे देते हैं, एजियोट्रॉप नाम दे देते हैं। ऑलराइट, तो एजियोट्रॉप आप लोगों को समझ आया सभी को? यस सर, यस सर। सो दैट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट कि मैं दो चीजों को मिक्स कर रहा हूँ, एक का बॉइलिंग पॉइंट लो है, एक का ज्यादा है। मिक्स करने पर कुछ हद तक मेरा जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट होगा वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन 100% नहीं हो सकता बिकॉज वो मिक्स हो चुका है। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जिस टाइम पर क्या होगा कि 50-50 करता करता धीरे धीरे एट द एंड जाके वो 95/5 पे बच गया। अब इसकी बात है, मैं कितनी बार भी सेपरेट कर रहा हूँ हर बार मेरे को 95/5 नजर आ रहा है, इसका मतलब मेरे को अब कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर मिल चुका है, दैट कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर इज नोन एज एजियोट्रॉप। फाइन, समझ आया सभी को? यस सर। ओके, अब मेरे पास ना दो टाइप की डेविएशन है, आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, डेविएशन दो टाइप की पढ़ी थी आपने, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एजियोट्रॉप के मैक्सिमम चांसेस मिलने की कहां पर उम्मीद होगी, पॉजिटिव डेविएशन में, नेगेटिव डेविएशन में? पॉजिटिव। नो, पॉजिटिव में नहीं मिलेगा। मिनिमम एजियोट्रॉप जो है हमारा वो मिलेगा पॉजिटिव डेविएशन में। अब थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली सोचना, एजियोट्रॉप क्या था, एक ऐसा मिक्सचर जहां पर मुझे क्या मिल रहा हो,
कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का मीनिंग कि मेरा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर मतलब जहां पर गैस और लिक्विड का कंपोजिशन या दो चीजों का कंपोजिशन बराबर आना शुरू हो जाए उसको हम एजियोट्रॉप बोलना शुरू करते हैं। अब एक बात सोच के देखो, मैक्सिमम एजियोट्रॉप मुझे नेगेटिव डेविएशन में मिलेगा क्योंकि नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर घटता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो मतलब ज्यादा अमाउंट का मिक्सचर मेरा इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं मिनिमम एजियोट्रॉप की बात करूंगा तो उस कंडीशन पे क्या होगा, मेरे को पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब चीजें जल्दी इवेपोरेट होने लग जाती हैं, और जब जल्दी इवेपोरेट होने लग जाएगी तो बहुत कम चांसेस होंगे ना एजियोट्रॉप मिलने के, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। आरुषि समझ आया? यस सर। एनीथिंग एल्स, कोई और बच्चा? अक्षत, देव, हिमांशी, श्रुति? नो सर। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि मैक्सिमम और मिनिमम में, मैक्सिमम एंड मिनिमम में हम इसी तरीके से चेक करते हैं, राइट? ठीक है, सो आफ्टर दिस पॉइंट द नेक्स्ट वी हैव इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कोलिगेटिव। सर आई हैव अ डाउट। या बोलो सर। आर वी डूइंग द टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स? पॉजिटिव नेगेटिव हो तो गए डिविजन। मैक्सिमम मिनिमम एजियोट्रॉप्स, होमोजेनस। Maximum and minimum azeotropes are the basically two types. Sir, in school we did heterogeneous and homogeneous as well. Oh, that is the mixture type. Mixture so could be anything. You can take any example. Homogeneous and heterogeneous. Okay. Homogeneous basically we are talking about same composition. Let's say I am taking alcohol water. So I have given the example of homogeneous. But if I take two different components, of course, that would be the heterogeneous. So, वो कोई बड़ा issue नहीं है. But the point is कि azeotrop का concept आपको पता होना चाहिए बस, that's it. ठीक है? Okay sir. अब है हमारा colligative property. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है हमारा वो होता है द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट and does not depend on nature of solute solvent. This is colligative property. एक dilute solution की वो property जो सिर्फ और सिर्फ solute के moles पर depend करती है, तो मतलब जितनी भी colligative properties होंगी has direct relation with, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी उसकी डायरेक्ट रिलेशन होगी किसके साथ, मोल नंबर ऑफ मोल्स के साथ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के साथ। दिस इज द पॉइंट। सो वी हैव फोर टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। द वेरी फर्स्ट इज ऑस्मोसिस, द वेरी फर्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। द सेकेंड वन इज boiling point elevation. The third is freezing point depression, and the fourth one is
ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. फाइन, बट इन सबको करने से पहले, इन सबको करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. दैट टॉपिक इज वेंटॉफ फैक्टर. वेंटॉफ फैक्टर इज सिंपली आई. आई इज नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. सीपी स्टैंड फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. This is the simple form. Or we can also call this I is normal molar mass upon abnormal molar mass. What is this normal and abnormal? Normal ka matlab, jaise for example, I have a C6H12O6. This is basically glucose. So if I calculate the molar mass, so carbon ka 12 into mein 6 plus hydrogen ka 1 into mein 12 plus oxygen ka 16 into mein 12 is equal to mein 180 after applying board mass. So ye jo 180 mera aaya hai, that 180 is normal molar mass. This is normal molar mass. But what is this abnormal molar mass? Abnormal molar mass होता है वो molar mass जो हम calculate करते हैं किसी particular observation के through. तो abnormal molar mass, the molar mass which is calculated by experimental observation such as colligative property. This is the first example, colligative property. We can do it. And many more. But now we are talking about colligative, so we will talk about only colligative property. ठीक है? Now I की जो value होती है ना, ये vary करती है. Vary करती है मतलब I की जो value होगी मेरी, that would be in three different formats. I would be greater than one. If it is greater than one, then there is dissociation takes place. Dissociation or ionization. मतलब टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे. यहां आई इफ लेस देन वन देन इट इज एसोसिएशन. एसोसिएशन का मतलब जुड़ना. और आई अगर मेरा वन के इक्वल आ जाता है देन इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट. इट इज नीदर एसोसिएटिंग और डिसोसिएटिंग. सो दिस वुड बी non-electrolyte. So I'm giving you the examples of non-electrolyte first. Non-electrolyte mein hamare paas aate hain. Bahut hi common example hai non-electrolyte mein. The very first example is urea. Urea ke baad hum start karte hain agle example ki taraf. That is of course glucose, then sucrose, then lactose. You will get many more examples. But these are the common examples जो कि ionized नहीं होते हैं. ठीक है, fine, okay. अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास ना ये एक acid है CH3COOH और एक मेरे पास है CS carbon disulfide, इन दोनों में से मुझे कोई बता सकता है कि कौन सा इसमें electrolyte है और कौन सा non electrolyte? First वाला non electrolyte होगा ना. फर्स्ट वाला नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा. किसने बोला ये? Who said this? किसने बोला ये फर्स्ट वाला नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा? अरे बताओ, डरो मत, कोई बात नहीं. मैंने.
फर्स्ट वाला इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, वो एसिड है, वो टूटता नहीं है, एच प्लस रिलीज नहीं करता, तो वो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो, ये आयोनाइज हो सकता है, बट CS2 को आप आयोनाइज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट आयोनाइज, हम CS2 को आयोनाइज नहीं कर सकते हैं, तो CS2 वुड बी दी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। डन, समझ आया सभी को? जीनल समझ आया? यस सर। ओके श्रुति? यस सर। ऑलराइट आरुषि समझ आया? यस सर। फाइन, सो अब हमारा जो अगला पोर्शन है दैट इज फॉर्मूला, तो वेंटहॉफ की ना दो अलग अलग इक्वेशन होती है, सबसे पहली वेंटहॉफ इक्वेशन, वेंटहॉफ इक्वेशन फॉर डिसोसिएशन, अगर कोई चीज डिसोसिएट होती है तो वेंटहॉफ की क्या इक्वेशन होती है, देखो सबसे पहला मेरा है कि फॉर्मूला जो होता है इसका, वो होता है I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू में अल्फा, ये मेरा इक्वेशन होता है, where alpha is called degree of dissociation, alpha को हम क्या नाम देते हैं, degree of dissociation, और I आपका Wentorf factor, I is Wentorf factor, I is Wentorf factor, cool, now the next part is n, what is this n, n ka matlab hota hai number of dissociative species, number of dissociated species, theek hai, ab number of dissociative species kaise find out karte hain, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास ना एक क्वेश्चन है जिसमें 50% डिसोसिएट हो रहा है, 50% डिसोसिएशन ऑफ AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो मुझे निकालना है कि इसका आई की वैल्यू क्या हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा आई निकालने के लिए, मैं सबसे पहले देखूंगा कि अगर मैं AlCl3 को डिसोसिएट करता हूं तो मेरी कितनी वैल्यू आती है, देखो AlCl3 को अगर मैं तोड़ता हूं तो आई थिंक तोड़ने पर मेरे पास जो आएगा ना वो आएगा 1 Al और 3 Cl अलोंग विद देयर चार्ज, ऑफकोर्स एल्यूमिनियम पे मेरा +3 चार्ज होगा एज यू नो, और 3 क्लोरीन पे -1 चार्ज होगा, तो चार्ज अगर ना भी लगाओ तो इट्स ओके, बट या यू मस्ट नीड टू नो कि कितने पार्ट में टूटा है, तो कितने पार्ट में टूटा है एल्यूमिनियम 1 और 3 क्लोरीन, तो n की वैल्यू मेरी यहां पर कितनी आ गई 4, 4 इज द n की वैल्यू, और अल्फा की जो वैल्यू होगी मेरी वो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मैं 50% डिसोसिएशन का मतलब 50/100, This is my dissociation. अगर वो बोलता 100% dissociation, तो 100/100, 30% बोलता तो 30/100,
जितना परसेंट डिसोसिएट होगा उतने बाई 100 लिख देंगे हम इसके अंदर सीधा सीधा। तो मैं अगर देखूं यहाँ पर तो मेरा जो आई की वैल्यू है ये मेरी कितनी आने वाली है पुट करके, 1 + 4 × 4 − 1 × में 50 मतलब 50/100 मतलब 1/2, तो मेरा कितना आ गया I इज इक्वल टू 1 + 3 × 1/2, सो इट इज ऑफकोर्स टोटल 2.5। सो मेरे I की वैल्यू कितनी आ गई 2.5। यू कैन क्रॉस चेक इट इज ग्रेटर देन 1 और डिसोसिएशन हो रहा है, कॉमन सी बात है, फाइन। तो अब आप मुझे सिर्फ n की वैल्यूज बताना, बाकी आप क्वेश्चंस कर लोगे। सबसे पहला मेरे पास है n की वैल्यू के लिए MgCl2, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ n फॉर MgCl2? क्या होगी n की वैल्यू? 1, 2, 3, 4 क्या होगी इनमें से? सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो द फॉर्मूला वॉज आई इज इक्वल टू 1 + n − 1 α, राइट। तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो मैंने पूछा था MgCl2 की बताओ n की वैल्यू कितनी होगी, बताओ कितनी होगी? वेरी गुड। K2SO4 की 6। अच्छा एक ही S और O की अलग अलग लेंगे? नो, SO4 पूरा एक ही अलग से टूटता है। ओके इसकी भी 3 होगी, ठीक है। उसके अलावा अभी मैंने AlCl3 दिया आपको, उसकी कितनी 4, फाइन। कोई भी एनी ऑर्गेनिक एसिड, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड अगर आता है तो उसका आंसर एन की वैल्यू 2। फॉर एग्जांपल मैंने बोला इसके अंदर बताओ कितने एन है, 2। फॉर एग्जांपल मैंने बोला इसमें कितने एन है, एन की वैल्यू 2। तो ऑर्गेनिक एसिड मतलब कार्बन का कोई भी एसिड होगा, हर बार मेरा आंसर क्या होगा 2, एन की वैल्यू, ठीक है, फाइन। कोई दिक्कत? नो सर। समझ आ गया सभी को? हिमांशी समझ आया? यस सर। जीनल सो K2SO4 में 3 क्यों आया? SO4 पूरा एक ही आयन होता है इसलिए वो एक ही होगा, और 2 पोटेशियम होंगे तो n की वैल्यू 3 होगी, ठीक है। एक है मेरा एसोसिएशन का जो मेरा फॉर्मूला होता है उसमें मेरे को I इज इक्वल टू 1 − α + α/N, दिस इज द फॉर्मूला। यहां पर अल्फा की जो वैल्यू होगी n, तो यहां पर क्या होगा या तो 2 होगा तो डाइमर वर्ड यूज होगा, 3 होगा तो ट्राइमर यूज होगा वर्ड, ये डिपेंड करेगा कि क्या गिवन है। अगर 2 है तो डाइमर है, 3 है तो ट्राइमर है, 4 अगर है तो टेट्रामर है, मतलब इसे ज्यादा नहीं देगा ये, बस मैक्स टू मैक्स टेट्रामर तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं क्रॉस कर सकता ये। अल्फा आपका, अल्फा यहाँ पर क्या होगा आपके लिए, अल्फा वुड बी डिग्री ऑफ association, alpha would be degree of association, that is degree of association। अब अगर मान लो मेरे पास बोलता है कि मुझे क्या करना है कि कह रहा है कि benzoic acid जो है मेरा, benzoic acid gets dimerized 99.2%
इतना परसेंट डाइमराइज हो रहा है, तो मुझे बताओ कैलकुलेट आई, कैलकुलेट आई की वैल्यू कैलकुलेट करें, वेंट ऑफ फैक्टर निकालें। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूले में पुट कर दो सीधा सीधा, आई इज इक्वल टू में वन माइनस अल्फा की जगह पे मैं यहां लिख दू 0.992, क्योंकि 99.2% है तो मतलब 99.2/100 प्लस 0.992 डिवाइड बाय में 2। तो मेरे i की वैल्यू यहां से सॉल्व करके क्या आने वाली है, कैलकुलेट करो, i की वैल्यू आ जाएगी यहां पर सॉल्व करके 0.504 के आसपास अप्रोक्सीमेट। सो दिस इज योर i, दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट योर i। फाइन, i में किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीवन? नो सर, मेरी 5। क्या हो गया, क्या वो हिमांशु? 0.512 आ रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा आसपास ही है, मैंने वैसे रफ आइडिया निकाल लिया। ठीक है, तो वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीवन? श्रुति समझ आया? हिमांशी, जीनल, पाखी, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कह रहा हूँ, नव्या, आरुषि? यस सर। फाइन, सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर। और इस वेंट ऑफ फैक्टर को ना हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं उसके अंदर, आई मीन we probably introduce vent of factor into the colligative properties equations. So vent of factor आपको निकालना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक आखिरी क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये और कर लो, फिर आपका vent of factor I think मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि कैलकुलेट I फॉर 50% एसोसिएशन ऑफ, yeah, I'm sorry to interrupt, but there's only 1 minute left for the meeting to end, so shall we rejoin? Yeah, because then only we will be able to solve the question now. Alright. Okay, so could you please rejoin everyone? The question is calculate I for 50% dissociation of my compound is something K4. This is the toughest question for your CBSC. Agar aapne acche se kar liya, it means you guys will be able to solve the questions of CBSE board, dissociation of this. This is the question. Sir, what was the formula for dissociation? The formula was I is equal to 1 plus bracket start n minus 1 into me alpha. राइट, बताओ कितना आ रहा है आंसर? सिक्स 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 क्या आ रहा है ओवरऑल आंसर? ना, सिक्स नहीं आएगा। एन तो, एन तो इसका एन कितना निकाला है इसका? 11।
नो मैं ऑप्शन देता हूँ एन के लिए ऑप्शन देता हूँ मैं आपको फोर फाइव सिक्स सेवन इनमें से देखो हाँ एग्जैक्टली इसका एन जो है वो फाइव होएगा क्यों क्योंकि अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा ना तो फोर के फोर पोटेशियम अलग होगा प्लस में पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ये अलग होगा क्योंकि मैं कॉम्प्लेक्स में से बाहर नहीं निकाल सकता किसी भी चीज को फाइन तो इस केस में मेरा एन की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी व्हाट फाइव फाइव सो आई विल पुट इन द इक्वेशन कितना आ रहा है टू टू आ रहा है थ्री आ रहा है थ्री आएगा ना क्योंकि फाइव माइनस वन इज फोर फोर इंटू वन बाई टू इज टू सो टू प्लस वन इज थ्री आई की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे थ्री आ रही है राइट समझ आ गया यस सर हिमांशी समझ आया आवाज नहीं आई आपकी ओके फाइन सो दिस वॉज वेंट ऑफ फैक्टर बेसिकली कल हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस भी करेंगे अलॉन्ग विद पहले तो प्रूफ करेंगे एक एक करके सबका तो कल थोड़ा एनसीईआरटी साइड में लेके बैठना कल सेम टाइम कल थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर देंगे क्लास को प्रोबेबली 9:30 के आसपास स्टार्ट कर देंगे सो दैट कि हमें थोड़ा टाइम मिल जाए क्वेश्चंस करने का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थोड़ा वास्ट टॉपिक है तो मैं चाहता हूँ थोड़ा जल्दी फिनिश करूँ इन चीज़ों को ऑलराइट सो आप आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं बिकॉज सो मेनी किड्स दे आर नॉट हियर सो कल कंटिन्यू करते हैं ठीक है ओके सर थैंक यू सर ओके बाय 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 सर गुड नाइट बाय गुड नाइट बाय सर